नहीं मजा आ रहा तो आप जाते थोड़ी। बाय, ध्यान से जाना। सी कर लो भैया, एकदम सुनाऊंगी भैया। सुप्रीम कोर्ट जो सामने लगा है पहले उसकी अर्जी लगा ले। बाबा का सबसे प्रसिद्ध नाम, जिस नाम को सुन के जो इसके दरबार से नहीं भी जुड़े वो भी आते हैं, क्या? हारे के सहारे बाबा। हारे का सहारा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा श्याम हमारा, बाबा श्याम हमारा। भाई मैंने सुना है कि जो हमारा होता है उसको चाहे धीरे बोलो या एकदम चीख के बोलो कोई डर नहीं होता। और मैंने कीर्तन में एक चीज नोटिस करी है, बड़ा जोर जोर से बोलने का ट्रेंड है, धीरे धीरे बोलने से कुछ नहीं होता। इवन कि मैंने सप्तसती के पाठ में भी ये पढ़ा है कि कोई भी मंत्रोच्चारण करो, कोई भी भजन गाओ, कोई भी पाठ करो तो जोर जोर से बोल के करो कि खुद तो सुनो ही, साथ में अगल बगल के दो चार लोग सुने तो उनका भी काम बने। तो कभी भी भजन गाओ या कुछ भी दरबार में आके बोलो तो बुलंद आवाज में बोलो। बाबा ने जो ताकत दी है उसका कुछ तो सदुपयोग होना चाहिए ना। बोले हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। लेकिन एक विडंबना है, इसके दरबार में हम तब तक नहीं आते जब तक हम हारते नहीं। कब आते? जब दुनिया की अच्छी खासी ठोकरें खा चुके होते हैं। और बिल्कुल सही लाइन है ये, सुनना। गिरते हुए को और ही गिरा दरबार है जिसके दरवाजे पे पहुंचने से पहले ही आपको लिखा मिलेगा हारे का सहारा। बिल्कुल सही बात। गिरते हुए को शाम, गिरते हुए को शाम उठाता ही रहेगा, आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। कौन कौन मेरी बात से सहमत हो? हाथ नीचे हो लेकिन तालियां जोरदार बजाना, ये आपके विश्वास की तालियां होंगी। पता पड़े आता रहा है सामरा, आता ही रहेगा। आता रहा है सामरा, आता ही रहेगा। बचाता ही रहेगा, आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। अच्छा, यहाँ दरबार में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहती हूँ, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया है कि आपने बुलाया तो वो आया? जिन्होंने महसूस किया बस वही एक हाथ उठाना, जिन्होंने नहीं किया उनके हाथ नीचे रहे। आपने बुलाया और ये आया, तो भैया धन्यवाद की तालियां तो और जोरदार होनी चाहिए ना। एक दो तीन चार। Thank you.
आपकी और हमारी गलती नहीं है कि हमारे बुरे वक्त में कोई नहीं आता, ये दुनिया का नियम है। अगर डूबते इंसान को कोई ऐसा इंसान बचाने जाए जो खुद तैरना ना जानता हो तो वो साथ साथ डूब जाता है। तो लोग उस समय अपनी जान बचाने की पहले सोचते हैं, लेकिन एक दरबार ऐसा कि उसमें डूबता हुआ आए या डूबा हुआ आए बचाता जरूर है सांवरा। हारे का साथ देने की मुश्किल बड़ी डगर, हारे का साथ देने की मुश्किल बड़ी डगर, देकर के दान शीश का वो हो गया मैं, देकर के दान शीश का वो हो गया डगर, हारे का साथ देने की मुश्किल बड़ी डगर, देकर के दान शीश का वो हो गया मैं। और सबसे बड़ी बात, माँ को दिया वचन वो, 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 निभाता ही रहेगा आता रहा है सांवरा, आता 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 ही रहेगा। आप यही क्यों, मैं बाहर की हूँ, मुझे आपका पता नहीं, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे आपकी भाषा नहीं पता, थोड़ा कर लो। हो सकता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो शायद आपको समझ ना आ रही हो प्रॉपर, लेकिन थोड़ा ठीक बैलेंस करके देखते हैं। आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा, आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा, तीनों की लाज शाम, तीनों की लाज शाम, तीनों की लाज शाम, बचाता ही रहेगा आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा आता रहा है सांवरा, आता ही रहेगा। एक बार मिड़ी मिड़ी तालियों के साथ ना, एक दो पता, मेरी बहुत परीक्षा लेता है और कभी ऐसा नहीं होता कि मैं एक बार बोल दूं तो आ जाए, मेरे से तो 10-20 बार कम से कम अर्जी लगवाता है तब आता है। और तब जब प्यार करने का हक हमारा है तो लड़ने का हक और कौन लेके जाएगा, हमारा ही है। इसके दरबार में जाते हैं और पूछते हैं इससे कि बताओ, दीना नाथ कुहाते हो दीनों से कतराते हो, दीना नाथ कुहाते हो दीनों से कतराते हो, ऐसी क्या नाराजी है नजरें आप चुराते हो, ऐसी क्या नाराजी है नजरें आप चुराते हो, मन की बात जुबान पर लाओ, मन की बात जुबान पर लाओ, चुप क्यों बैठे नाथ खता क्या मेरी है, खाटू वाले शाम हमारे क्यों रूठे हो आप, खता क्या मेरी है, खाटू वाले शाम हमारे क्यों रूठे हो आप, खता क्या मेरी है। बड़े किस्मत वाले हैं वो लोग, एक बार पूछते हैं बताओ खता क्या मेरी और तुरंत पता चल जाता है क्या खता है, हमें नहीं पता चलता।
हमें तो बहुत अच्छे से तड़पाता है, बहुत अच्छे सुरा लाता है, बहुत अच्छे से ताने सुनवाता है, और जब तक चिल्ला चिल्ला के इससे ना पूछ लेना कि बताओ कि क्या गलती कर दी, तब तक नहीं बताता। क्यों? क्योंकि हम उनके जैसे नहीं है कि जो हर दो दिन के बाद गलती करे। जो आज गलती कर दी और जो एक बार बता दिया उसने कि तेरे से ये गलती हो गई, तो कोशिश रहेगी कि मरते दम तक वो गलती दोबारा ना हो। और जब पूछते हैं ना इससे, तब जवाब आता है, श्याम खता क्या मेरी 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 है। मन की बात जुबान पर लाओ, मन की बात जुबान पर लाओ, चुप क्यों बैठे लात कथा क्या मेरी है, खाटू वाले शाम हमारे तू रूठे हो आप कथा क्या मेरी है, खाटू वाले शाम हमारे तू रूठे हो आप कथा क्या मेरी है। ये बेटी बड़ी डाली मिलके एक साथ, एक दो तीन चार, भक्तों को मामा क्यों बिसराना ठीक नहीं, प्रीत लगा करके दाता हाथ छुड़ाना ठीक नहीं, प्रीत लगा करके दाता हाथ छुड़ाना ठीक नहीं, अपने भक्तों को बाबा यूं बिसराना ठीक नहीं, प्रीत लगा करके दाता हाथ छुड़ाना ठीक नहीं, थारे से उम्हारी प्रीत पुरानी, थारे से उम्हारी प्रीत पुरानी, सुन लो मन की बात खता क्या मेरी है, खाटू वाले शाम हमारे क्यों रूठे हो आप खता क्या मेरी है, खाटू वाले शाम हमारे क्यों रूठे हो आप खता क्या मेरी है। एक बार बिना माइक के गए, मेरो तो आधार तुही, साचो हिम्मतदार तुही, थाने छोड़ कठे जाओ लाज को राखणवार तुही, थाने छोड़ लाज को राखणवार तुही, शिव की डोरी छोड़ न देना, शिव की डोरी छोड़ न देना, रखना अपने हाथ खता क्या, खाटू वाले श्याम हमारे क्यों रूठे हो आप खता क्या, खाटू वाले श्याम हमारे क्यों रूठे हो आप खता क्या। आपको एक सच्चा वाक्य बताऊं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्याम प्रेमी परिवार, है ना, यही नाम है ना, श्री श्याम फैमिली, वाह भाई बहुत बढ़िया, दुनिया इंडियन होती जा रही है, आप थोड़ा सा कम से कम इसको वेस्टर्न तो करो, बहुत सही। आइए विराजिए श्री श्याम फैमिली, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, ये पहला ऐसा मंडल जिसने बोलने की आजादी दी है, वरना कोई भी होता है दीदी बोलना थोड़ा कम भजन थोड़ा ज्यादा गा रहा, लेकिन
बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। एक सच्चा वाकया बताती हूँ अपनी ज़िंदगी का। ज़्यादा दिन पहले नहीं, इसी साल के जनवरी की 11 की बात है। खाटू कौन कौन जाते हैं? सब जाते हैं। पंचायती धर्मशाला कौन कौन जाते हैं? ऑलमोस्ट सबको पता है। जनवरी की 11 के टाइम पे मैं और मेरे जानकार, जिनके साथ हम हमेशा दर्शन करने जाते थे, कोई कह रहा है 11 के दिन 8 घंटे में दर्शन होंगे, कोई कह रहा है 5 घंटे में दर्शन होंगे, कोई कह रहा है 4 घंटे में दर्शन होंगे। अच्छा, कंटिन्यू कीर्तनों की वजह से शरीर में इतनी ताकत नहीं कि लाइन में इतने घंटे खड़े हो पाए। चलो मैं तो किसी तरह हिम्मत भी करके चली जाऊँ, लेकिन जो एक दूसरे जन थे वो हमारे साथ, वो नहीं रख सकते थे उतनी देर। अब हम इंतज़ार कर रहे कि जैसे तैसे कैसे भी हो जाए दर्शन, नहीं हुए 11 के दर्शन, नहीं हुए। शाम को समय आ गया हाजिरियों का। सबको पता है भैया, खाटू में जाके सब अलग अलग धर्मशालाओं में अपनी हाजिरी लगाते। हाजिरियों का वक्त आया, हाजिरी लगाते लगाते समय हो गया क्या 12:30। 11 के दर्शन हुए नहीं, 12:30 बजे से पंचायती धर्मशाला जाके बैठ गए। और अचानक से एक भाव आया कि पता नहीं शायद कहीं ऐसा ना हो कि आज बिना दर्शन किए खाटू से जाना पड़े, क्योंकि 4:30 बजे निकलना था हमें वापस। अब 12:30 बजे से मन बेचैन, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। फिर क्या हुआ, अचानक से नजर पड़ी बाबा के ऊपर और आंख से आंसू कि चलो मान लिया मैंने गलती कर दी। मैं बिल्कुल नहीं बोलती कि मैंने गलती नहीं करी, मैंने ये कह दिया कि मैंने गलती नहीं, मैंने पाप कर दिया। लेकिन आपने तो बच्चा बनाया है ना, हम तो आपको बाप समझते हैं, तो दुनिया में ऐसा कौन सा बाप है जो अपने घर से बेटी को बुला के बिना मिले वापस भेज दे, ऐसा कौन सा बाप आ गया। और आपके दरवाजे आए हैं हम, पाप करके आए हैं, हमने तो सुना है कि आपने बड़े बड़े पापियों का तारा है, इतना तो विश्वास है हमें, हमने कोई इतना बड़ा पाप तो किया नहीं होगा, तो ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। चलो मैंने गलती कर दी, लेकिन वो गलती आप क्यों दोहरा रहे हो। लगभग 1 बजे से वो आंसू आए, और जो ये कह रहे थे कि भैया 5 घंटे में दर्शन होंगे, उनमें से अचानक से एक बंदा आता है, 3:30 बजे लेके जाता है और 1/2 घंटे बाबा के दर्शन करा के फिर वापस भेजता है कि जाओ हो गए दर्शन। अब आप बताओ पर्चे कैसे नहीं दिखाता ये। लेकिन हाँ, तब मैंने एक चीज समझी कि जब तक हम दुनिया में हाथ पांव मारते हैं तब तक ये हमारा सहारा नहीं बनता, जब हम पूरी तरीके से हार के इसके साथ जाते हैं ना, तब जाके सहारा बनता है। जब तक हमने दुनिया वालों के सामने कहा कि भैया दर्शन करा दो दर्शन करा दो दर्शन करा दो, तब तक कोई नहीं हुए दर्शन। और जब इसके सामने रोने लग गए कि बाबा नहीं पता कि दर्शन कैसे होंगे, बस दर्शन करने हैं, तो अपने आप हाथ पकड़ के लेके गया और दर्शन करा के भेज दिया। इसलिए बिल्कुल सही लाइन है, क्राइटेरिया होता ना किसी भी चीज का, यहां आने का भी एक क्राइटेरिया क्या, हालात से जो हार कर दरबार आ गया, हालात से जो हार कर दरबार आ गया, सूरज वो इनसे जीत का वरदान पा गया, सूरज वो इनसे जीत का वरदान पा गया। की सबसे बड़ी महिमा, हारे हुए को शाम, हारे हुए को शाम, हारे हुए को शाम, हारे हुए को शाम जिताता ही रहेगा, आता रहा है सावरा, आता ही रहेगा, आता रहा है सावरा, आता ही रहेगा। हारे हुए को शाम, हारे हुए को शाम, हारे हुए को शाम, हारे हुए को शाम जिताता ही रहेगा, आता रहा है सावरा, आता ही रहेगा, आता
भक्तों की लाज कैसे बजाता है? तालियां तो बजाओ। मीरा के प्यारे को प्रभु सम्मान दे दिया, मीरा के प्यारे को प्रभु सम्मान दे दिया। देखी सुदामा की तड़प सुखदान दे दिया, देखी सुदामा की तड़प सुखदान दे दिया। देखो भाई साहब, किसी का ओपो मिला है, अगर कोई इसका मालिक नहीं मिलेगा तो मैं इसको बिहार लेके चली जाऊंगी। जिसका भी है वो आके यहां से ले जाए। दुनिया में लड़कियों के लिए सबसे बड़ी चीज की बात उनकी इज्जत पे आ जाए, और लड़कों के लिए की बात उनके धन पे आ जाए। अगर किसी लड़के को बेइज्जत करना है तो उसके स्टेटस को लेके बेइज्जत करिए, और अगर किसी लड़की को बेइज्जत करना है तो उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा दीजिए। यही दो चीज होती है, बोलो है कि नहीं, है ना? और आज के जमाने में होता भी यही है। भैया अगर कोई आपके झांसे में आ गई तो बहुत अच्छा, तब तो वो ऐसे ही खराब, और अगर नहीं आई तो भैया उससे सेट होगी, बोलो है कि नहीं? बिल्कुल सही। मेरी बातें बहुत ज्यादा कड़वी होती है भाई साहब, लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि नीम खा के खून को साफ करना ज्यादा अच्छा है चीनी खा के डायबिटीज करने से ज्यादा बढ़िया, तो मैं चीनी थोड़ा कम खिलाती हूँ। वो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें मेरे से नहीं होती। अगर किसी इंसान को, किसी जेंट्स को जो मर्द की कैटेगरी में है, उनको बेइज्जत करना है तो उनके स्टेटस के ऊपर उंगली उठे, भैया तू है क्या, तेरी औकात क्या है, तेरे पास है क्या, उसको इससे ज्यादा बेइज्जती किसी भी चीज में महसूस नहीं होगी। मीराबाई के भी चरित्र के ऊपर लांछन लगा दिया कि भैया बावड़ी है, परिवार से कोई मतलब नहीं, लेकिन सांवरे ने जब अपनी शरण में ले लिया तो आज आप और हम सब मिलके उनकी पूजा करते हैं कि भैया राधा और रुक्मण के बाद अगर किसी का स्थान है तो किसका? मीरा का। सुदामा की गरीबी का हर किसी ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब सांवरे ने उसके हाथ के दिए हुए चावल खाए तो आज हम और आप सब उनके नाम के भजन गाते हैं। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया। लेकिन क्या दुनिया है, कोई और नहीं बचाता हमें, कौन बचाता है? अपना सेठ। मीरा के प्यारे को प्रभु सम्मान दे दिया, मीरा के प्यारे को प्रभु सम्मान दे दिया। देखी सुदामा की तड़प सुखदान दे दिया, देखी सुदामा की तड़प सुखदान दे दिया। मेरे भी कष्ट सांवरे, मेरे भी कष्ट सांवरे, मेरे भी कष्ट सांवरे, मेरे भी कष्ट सांवरे। अब तो मिटाइए सेवक को अपने सामने, यूं ना सताइए सेवक को अपने सामने, यूं ना सताइए सेवक को अपने सामने, यूं ना सताइए सेवक को अपने सामने, यूं ना सताइए। पलके बिछाए राहत के, पलके बिछाए राहत के, जाइए सेवक को अपने सामने, यूं ना सताइए सेवक को अपने सामने, यूं ना सताइए। और बाबा ज्यादा इधर उधर मत देखो, क्यों? क्या देखते हो सामने कुछ भी न खास है, क्या देखते हो सामने कुछ भी न खास है। नीचे जरा निहारिए चरणों में दास है, नीचे जरा निहारिए चरणों में दास है। सोनू पे कर करम जरा, सोनू पे कर करम जरा, सोनू पे कर करम जरा, सोनू पे कर करम जरा। नजरें मिलाइए सेवक को अपने सामने, यूं ना
सताइए, सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए, सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए, सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए। पलके बिछाए राहत के, पलके बिछाए राहत के आ भी जाइए, सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए, सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए, सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए, सेवक को अपने सामने यूं ना सताइए। पलके बिछाए राहत के आ भी जाइए, सेवक को अपने सामने यूं सताइए। बोली सच्चे दरबार की दी। अच्छा, यहाँ पे कोई प्रेमी ऐसा भी है जो नया नया जुड़ा हो बाबा के दरबार से? एक बार उठा के बताओ ना हाथ, कौन कौन नए नए जुड़े हैं? आप तो रहने दो, कम से कम दरबार में बैठ के तो झूठ ना बोलो। नए नए हो आप सब? नहीं नहीं, ये नहीं, मैं प्रेमियों की बात कर रही हूँ, ये तो बहुत पुराना हो गया। वैसे मैं भी नहीं हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ नए में इतना रंग चढ़ा दिया कि पता नहीं जब पुराने होंगे तब क्या हाल होगा, तब तो घर वाले परेशान होंगे। बोली खाटू नरेश की। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे, आप लोग नए नए हो ना, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात करती हूँ मैं, चमत्कार के बिना नमस्कार कोई नहीं करता। आपने भी चमत्कार देखा होगा तभी नमस्कार किया होगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ, है ना, है ना? क्या देखा चमत्कार? क्या आपके साथ क्या हुआ, आप अपनी बात बताओ, किससे हारे थे, खुद से हारे थे या दुनिया से हारे थे, परिस्थितियों से? मतलब 90% लोग ऐसे होते हैं जो खुद से और अपनों से हारते हैं, क्योंकि बाहर वालों को इतना पता ही नहीं होता कि आपको हराया कैसे जाए। अपनों को ही पता होता है कि दर्द किससे दिया जाए, कहां पे हाथ रखेंगे कि वो दुखती रग होगी, वरना बाहर वालों को क्या पता, वो तो अंदाजे में ही गोली लगाते रहेंगे, उनकी गोलियां कभी लग भी जाएंगी कभी नहीं भी लगेगी। जब 90% लोगों की कहानी ऐसी तो हम और आप कहां से अलग होंगे, हमारा भी वही हाल है, हम भी अपनों से हार के पहुंचे थे इसके दरबार। और मैं बताऊंगी कि मैं कैसे जुड़ी। मैंने अपनी जिंदगी में एक नहीं इसके पता नहीं कितने सारे करामात देखे। सबसे पहला करामात, जब मैं पहली बार खाटू गई, मैंने कहा ना मैं इतनी आसानी से मुझे कुछ नहीं देता, मुझे बहुत रूल आता, और अब तो दुनिया भी बोलने लगी रोतलू हो गई है, बस रोते हुए भजन गाती है, रोती रहती है, रोती रहती है। लेकिन एक बात का संतोष है, हम रोते इसके सामने हैं, दुनिया के सामने नहीं रोते, और बाबा मांगते भी यही है कि भले अपने दरबार में जिंदगी भर रुलाना, लेकिन कभी किसी और के सामने मेरे आंसुओं को बेइज्जत मत होने देना। बाबा ये भजन अगर मैं ये कहूं कि 100% मेरे जीवन पे है तो बिल्कुल गलत नहीं हुआ, आपको पता है। कॉर्ड देना। गुजरी है जिंदगानी अश्कों को पीते पीते, बीती जो मुझ पे बाबा किसी और पे न बीते, छोटी सी
जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है और गम है ढेर सारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हार, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हार। नहीं ठोर ना ठिकाना, नहीं ठोर ना ठिकाना, नहीं ठोर ना ठिकाना, नहीं ठोर ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, ले लो शरण जो हार के आए हो, जरा एक बार हारी हुई तालियां तो बजाओ। एक दो तीन चार। जिनसे भी रिश्तेदारी अब तक निभाई मैंने, जिनसे भी रिश्तेदारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी, अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी। बाबा किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, देते हैं सब नगारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। एक बात बताऊं, मैंने कहा ना कि मैंने अपने जीवन में पर्चा देखा, सबसे पहला पर्चा जब मैं पहली बार खाटू गई 2015 जुलाई, फागन के टाइम पे जाने की बड़ी इच्छा थी, नहीं जा पाए। 11 वाले दिन बैठ के रो रहे, 12 वाले दिन बैठ के रो रहे कि काश अभी जैसे हमारे शहर के और लोग गए, हम भी जाते, हम भी बाबा का मेला देखते, हम भी बाबा के दरबार में दर्शन करके आते, नहीं पहुंच पाए। अब पहुंचे कब, जुलाई की एकादशी पे सारे टिकट्स बन गई, हो गया फाइनल कि भैया फलानी डेट को जाना है इस डेट की 11 से, और बाबा के दर्शन करके आने। बड़ा उत्साह, बड़ा एक्साइटमेंट अंदर से, क्या अब जाएंगे, इतने दिनों की तपस्या, इतने दिनों का जो मन था अब शायद बाबा पूरी कर देगा, लेकिन इतनी जल्दी मानने वाला है ये, विघ्न कैसे नहीं डालेगा, इसको तो परीक्षा लेनी होती है ना कि भैया कौन पागल है और कौन दुनियादारी में उलझने वाला। जिस दिन मेरी ट्रेन, उससे 15 दिन पहले मेरे बाबूजी नॉर्मल इस हाइट की बिस्तर से नीचे गिर गए। अच्छा, जिस हाइट से नीचे गिरने के बाद लोगों के पैर में मोच नहीं आती, उस हाइट से नीचे गिरने के बाद उनकी पसलियां की 5 हड्डियां टूट गई। अच्छा, नॉर्मली मोच तक ना है उतनी हाइट से गिरने के बाद, और उनके पसलियों की 5 हड्डियां कट। अब उनको लेके डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले अब इनको बेड रेस्ट कराओ भाई अच्छे से। चलो वो तो हो गया। अब जब हॉस्पिटल से आए तो बैठ के ये सोच रहे भैया अब तो खाटू की टिकट कैंसिल कराओ, लेकिन कैंसिल कराई नहीं। ये क्या चमत्कार किया इन्होंने, दिमाग बदला कि कैंसिल मत कराओ टिकट, ठीक है। समय आता गया आता गया आता गया,
थोड़ी जुड़ने लगी। कितने में बाबूजी लोग थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते ना जल्दी जल्दी तबीयत खराब मतलब ठीक होने लगे, तो एक हफ्ते के अंदर थोड़ी सी नॉर्मल पोजीशन पे आए। तो डॉक्टर ने बोला था कि इस हाथ के बल पे उठना मत, क्योंकि इधर की हड्डियाँ टूटी थी, बाबूजी को कंट्रोल नहीं हुआ, इस हाथ के बल पे उठ गए, जो हड्डियाँ जुड़ी थी वो और बुरी तरीके से टूट गई। अब रात को 3 बजे हॉस्पिटल लेके दौड़ रहे, डॉक्टर बोल रहा है ये क्या किया, जो थोड़ी बहुत जुड़ी थी तो और बुरे तरीके से टूट गई। मैंने बोला भाई साहब अब जो टूटी सो टूटी, अब इलाज करो, अब ये क्यों बता रहे हो। लेकिन फिर पट्टियाँ लगी, पट्टियाँ लगने के बाद जब घर आए तो मैं बैठ के ऐसे मंदिर के सामने अपने मेरे आंसू आ रहे थे कि शायद बाबा की मर्ज़ी ही नहीं है कि मुझे खाटू बुलाए, बाबा चाहता ही नहीं है कि मैं खाटू आऊँ, इसी वजह से ऐसे ऐसे मेरे सामने रोड़े ला रहा है। मेरे पापा आए मेरे पास, मेरे को कह रहे क्यों रो रही है। मैंने बोला कुछ नहीं। मैंने बोले बता क्यों रो रही है। मैंने बोला कुछ नहीं, बस आपको पता है खाटू की टिकट बननी थी, जाने की इच्छा थी, जा नहीं पाएंगे। बोले क्यों नहीं जा पाएगी। मैंने बोला आपको इस हाल में छोड़ के कैसे जाऊँ। बोलते कोई नहीं तू जा, मैं संभाल लूँगा खुद को। मैंने बोला नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद आपको एक ग्लास पानी भी देने के लिए कोई है नहीं, तो मैं कैसे चली जाऊँ आपको छोड़ के। उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले। अच्छा इस मामले में मैं धन्यवाद दूंगी अपने रिश्तेदारों का जो और कभी नहीं आते थे वो उस समय आ गए। मेरे बाबूजी ने फ़ोन लगाया मेरे एक रिश्तेदार को, वो अपनी पत्नी सहित आ गए और बोले कि तू बेटा आराम से जा, तेरे को दर्शन करने हैं तो दर्शन कर और वहाँ से वापस आ। हम गए और निकलते निकलते मैं आज भी अपने घर में एक नियम बना के आती हूँ, लोग कहीं भी जाते हैं तो अपने घर के मंदिर के पट बंद करके जाते हैं, मैं कभी बंद करके नहीं आती, मैं हमेशा खोल के आती हूँ कि मैं तो जा रही हूँ, अब इस घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, अगर मेरे घर के अंदर कुछ भी हुआ तो इस बात की जिम्मेदारी आप लोग। बोले खाटू नरेश। आज भी जब मैं घर से निकली मैंने बाबा को बोला बाबा मैं अपने बाप को दुनिया के बाप के हवाले करके जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद क्या होगा, हो सकता है समाज वाले मुझे गालियाँ देंगे, हो सकता है समाज वाले मुझे बुरा बोलेंगे कि बाप को इस हाल में छोड़ के चली गई, लेकिन मुझे पता है कि एक ये मेरा बाप है तो तुम भी मेरे बाप हो और मैं अपने बाप को दुनिया के बाप के हवाले करके जा रही हूँ, अगर इनको कुछ भी हुआ तो मैं ये समझूंगी कि ये खुद से नहीं ये आपके कारण हुआ है। और आप विश्वास करो मैं खाटू गई, मैंने निशान उठाया जिंदगी में पहली बार, मैंने दर्शन किए, दर्शन करके आने के बाद वो चमत्कार हुआ। आप सब बड़े हो, सब अनुभवी हो, बूढ़ी हड्डियां कितने दिनों में जुड़ती हैं। मेरे पापा की ये जो समय थी 81 6 महीने, और बोलो कोई और ज्यादा, मेरे पापा की हड्डियां 15 दिन में जुड़ी हैं। बोले साचे दरबार की। अब इससे बड़ा पर्चा और क्या दिखाएगा वो, 15 दिन के अंदर मेरे पापा की हड्डियां जुड़ गई। और मैं एक बार नहीं हर बार जब भी अपने घर से निकलती हूँ सब कुछ इसके हवाले करती हूँ। लोग कहते भैया आप अकेले कैसे चलते हो, मुझे पता ना कि मैं अकेली चलती नहीं हूँ, मेरे साथ साथ ही चलता है, तो मैं किस बात की टेंशन लूँ। लेकिन हाँ बुरे समय पे इंसान को परख जरूर होती है। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदार, जिनसे भी रिश्तेदारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी, निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हार, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हार। बोले खाटू नरेश की जय हो। हो ना हो ये
पहले दो लाइन सब गाना एक साथ। माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तू ही से, माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तू ही से, माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तू ही से, माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तू ही से। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन की हर कमी से, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, मिलती नहीं दवा रे, ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं, लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे, नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना, नहीं छोड़ना ठिकाना, फिरते हैं मारे मारे, लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हारे, लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हार। आज तो हम किसी को देखते हैं कि कोई दरबार में हार के आया और कुछ कर सके या ना कर सके, इतना तो कहते हैं ना, कोई हमें ये कहने वाला भी नहीं था। भैया थोड़ा बीट बढ़ाओ टेम्पो। तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है, जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है, तू क्यों घबरा से को, कोई हारा हुआ मिले ना, और कुछ करो ना करो, कम से कम ये जबान से दो शब्द बोल के उसको दिलासा जरूर दे दो कि भैया हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक दरबार ऐसा है जहाँ एक बार कैसे भी करके पहुंच जाओ वे फिर को तुमको दुनिया में मदद मांगने के लायक नहीं छोड़ेगा। जो जो इसकी दरबारी पे विश्वास करते हो एक बार दोनों हाथ सीधे सीधे उठाना और मिलकर जोरदार ताली एक साथ, एक दो तीन चार। तालियां बजाना। तू देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा, तू देख विनय करके तेरी लाज बचाएगा, तू जब भी बुलाएगा हर बार ये आएगा, तू अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है, अपने प्रेमी को दुखी ये देख न पाता है, जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है, तू क्यों घबराता है, तेरा शाम से नाता है,
ना दिखाई दे। तू शाम का ध्यान लगा जब कुछ ना दिखाई दे। तू शाम का ध्यान लगा मेरा शाम सहारा है मन में विश्वास जगा। मेरा शाम सहारा विश्वास जगा। जब शाम कृपा होती रास्ता मिल जाता है। जब शाम कृपा होती रास्ता मिल जाता है। जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जलाता है। तू घबराता है तेरा शाम से नाता है। अच्छा एक बार सच्ची सच्ची बताओ, जिस समय कोई मुसीबत का वक्त आता है किसको किसको अंधविश्वास है कि और कोई आए ना आए बाबा हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो एक बार अंधविश्वास वाली तालियां तो बजाओ। दुनिया को पता पड़ना चाहिए कि हम कैसे पागल हैं। हम मुसीबत को देख के मुसीबत से नहीं कोई पूछते कि तू क्यों आया, मुसीबत को ये बोलते हैं कि तू आ जा देखते हम भी तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। एक बार दोनों हाथ उठाओ और विश्वास वाली तालियां मिलके एक साथ, एक दो तीन चार। तो अपनी तो पड़ोसियों की मिलके एक दो तीन चार। तेरी हर मुश्किल में उबो चुटकी में हल कर दे। तेरी हर मुश्किल को ये चुटकी में हल कर दे। कोई नाम चलाए तो ये झट से विफल विफल कर दे। ये झट से विफल कर दे। कोई ना जान सके किस रूप में आता है। कोई ना जान सके किस रूप में आता है। जब मालिक है सिर पे क्यों जी को जला। तू घबराता है तेरा शाम से नाता है। तू क्यों घबराता है तेरा शाम से नाता है। अरे जी सुनो मेरे सांवरिया हमने सहारा तेरा लिया। अरे जी सुनो मेरे सांवरिया हमें सहारा तेरा लिया। बाबा जवाब दो क्या यूं ही हमें तरसाओगे। क्या यूं ही हमें तरसाओगे। बाबा कब हमें दर्श दिखाओगे। बाबा कब हमें दर्श दिखाओगे। हमने सहारा तेरा लिया। अरे जी सुनो मेरे सांवरिया हमने सहारा तेरा लिया। कौन कौन सहारा मांगने आए हो। एक बार से
सिर्फ तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, जितने भी लोग हो सब मिलके बोलना बुलंद आवाज में एक साथ, अरे जी सुनो मेरे सावरिया, हमने सहारा तेरा लिया। कोई जरूरत नहीं है किसी के बोलने पे भजन गाने की, आप भजन गाओगे ना तो बाबा आपको देगा, आपका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर देगा, या आप अपनी बात बताओगे तो बाबा आपके लिए आएगा, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ फायदा आप हमें दे दोगे। आप गाते अपने लिए, हम गाते अपने लिए, लेकिन हमारा काम ये है कि दरबार में अगर 10 लोग बैठे हैं, अरे 10 के 10 नहीं कम से कम एक का भी काम बने तो ये कीर्तन करना और कराना सफल हो जाना, और वो होगा कब, जब गाओगे। आजकल मैं बोलूंगी नहीं लेकिन नाचने का बड़ा ट्रेंड है, मैंने कल भी बोला था नाचने से बाबा आता तो ऋतिक रोशन के घर में सबसे पहले जाता, आपके और हमारे पास नहीं आता, उतना अच्छा नहीं डांस करते हम, नाचने से बाबा आता तो किसी और के पास पहले होता, माइकल जैक्सन के पास पहले होता, हमारे और आपके पास क्यों आता भाई, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा भाव है, वो भी पूरा नहीं थोड़ा, वरना भाव वाले लोग तो ऐसे हैं कि आप और हम साल में 12 निशान नहीं उठा सकते, कोई कोई तो हर दिन किसी किस निशान उठा के जाता है। बोले खाटू नरेश की। और फिर भी अगर उसने आपके ऊपर कृपा करी है तो उस कृपा के बदले भजन गाना आपका और हमारा फर्ज है, तो उस फर्ज को निभाओ, मिल के गाओ, अरे जी सुनो मेरे सावरिया, हमने सहारा तेरा लिया, अरे जी सुनो मेरे सावरिया, हमने सहारा तेरा लिया, जब गज ने तुझे को पुकारा था, जब गज ने तुझे को पुकारा था, तूने जल में ग्राह को मारा था, तूने जल में ग्राह को मारा था, गज ने तेरा नाम लिया, हमने सहारा तेरा लिया, अरे जी सुनो मेरे सावरिया, हमने सहारा तेरा लिया। सहारा तेरा लिया, अरे जी सुनो मेरे सावरिया, हमने सहारा तेरा लिया। बाबा इतना विश्वास है हमें, रखोगे लाज मेरी रखोगे लाज, रखोगे लाज मेरी रखोगे लाज, राखोगे लाज मेरी राखोगे लाज, खाटू 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 के बाबा श्याम जी मेरी रखोगे लाज, खाटू के बाबा श्याम जी मेरी रखोगे लाज, मीरा के घन श्याम जी मेरी रखोगे लाज, मीरा के घन श्याम जी मेरी रखोगे लाज।
रखवाला प्रतिपाला, रखवाला प्रतिपाला वो लीले घोड़े वाला, रखवाला प्रतिपाला वो लीले घोड़े वाला। कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला उजाला, रखवाला रक्षा करी है इसने। एक बार भी तो एक बार धन्यवाद की तालियां बजाओ। एक दो तीन चार। मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा, मन मंदिर में वास करो तुम, दूर करो अंधियारा, पापों का मेरे नाश करो तुम, पापों का मेरे नाश करो तुम, बने करके रखवाला रखवाला खटुआला खटुआला। सबने बताया कि रक्षा करी है ना। एक बार बोलो ना एक साथ। कदम कदम पर रक्षा करता, कदम कदम पर रक्षा करता, घर घर करे उजाला उजाला खाटू खाटू वाला, ओ लीले घोड़े जो अभी भी चुपचाप बैठ के सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल से रट्टा मार के एक शायरी याद करी है। बड़ी मुश्किल से बचपन में भी पढ़ाई के मामले में पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था, तब जाके याद होता था। रट्टा मारने वाला काम नहीं होता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये किया है। क्या था? हाँ, बोलने को दी जुबा तू बोलता नहीं है, बोलने को दी जुबा तू बोलता नहीं है, लेने को श्याम नाम मुख को खोलता नहीं है, आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा जिस दिन तू बोलना तो चाहेगा लेकिन बोल नहीं है। तो उस दिन का इंतजार कर रहे हो, गालो ना। खाटू वाला खाटू वाला ओ लीले घोड़े वाला, खाटू वाला। जब भीड़ पड़ी भगतन पड़ी उनकी विपदा टाली, जब जब भीड़ पड़ी भगतन पड़ी उनकी विपदा टाली, सच्चे मन से जो भी पुकारे, 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 दयाला खटुआला खटुआला ओ लीले घोड़े वाला, खटुआला खटुआला ओ लीले घोड़े वाला। ये
नियम से जो कोई जावे मन की मुरादे पावे। नेम नियम से जो कोई जावे मन की मुरादे पावे। नेम नियम से जो कोई जावे मन की मुरादे पावे। बिछड़े साथी फिर से मिला गए, बिछड़े साथी फिर से मिला गए, बिछड़े साथी फिर से मिला गए, बिछड़े साथी फिर से मिला गए। हरे हरे प्रेम पढ़ाया बढ़ाया खटुआला खटुआला बोली ले घोड़े वाला। देखो बाबा क्लियर बात, कलयुगी इंसान है, एक हाथ दे दूजे हाथ ले। इतने भजन गा रहे हैं, हम पागल नहीं है और फ्री में नहीं गा रहे, कुछ करोगे तो ही गाएंगे। एक तो मंडल वाले कर रहे हैं, उसके बाद आप कर लो। सीधी सी बात, मंडल वाले जो कर रहे हैं वो तो आप